Hello students, today we will start important example of linear concurrence. बेटा ancient Chinese problem क्या है statement? A band of 17 pirates stole a sack of gold coins. When they tried to divide the fortune into equal portion, three coins remained in the ensuing brawl over who should get the extra coins, one pirate was killed. The wealth was redistributed, but this time an equal division left 10 coins. Again an argument developed in which another pirate was killed, but now the total fortune was evenly distributed among the survivors. What was the least number of coins that should be stolen? Let x scale number of gold coins stolen. Okay. First, when they divide equal portion, three coins remain. X concurrent 3 more 17. जब x क्वाइन को इक्वली डिवाइड कर रहे थे बेटा 17% में, तो लास्ट में कितने क्वाइन बचे? 3. देखो, इनटू इक्वल पोर्शन 3 क्वाइन में. देन वन पिरेट वाज किल्ड, द वेल्थ वाज रीडिस्ट्रीब्यूट, बट दिस टाइम इक्वल डिवीजन लेफ्ट 10 क्वाइंस. इन सेकंड टाइम रिमेनिंग 10 क्वाइंस, और किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया? 60 में, क्योंकि वन कितने बचे बेटा? रिमेनिंग कितने? 10. लेफ्ट 10 पॉइंट्स, देन डिवाइड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. अगेन एन आर्गुमेंट डेवलप इन विच अनदर फॉरेस्ट वर किल्ड, बट नाउ द टोटल फॉर्चून वाज इवनली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द सर्वाइवर. मीन्स नो पॉइंट रिमेनिंग व्हेन डिवाइड इन 15, क्योंकि वन पिरेट्स वाज किल्ड सेकेंड टाइम. ओके, फर्स्ट अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बेटा, कितने रिमेनिंग बच रहे हैं? 3. वन किल्ड, देन रिमेनिंग 10 पॉइंट्स व्हेन डिवाइड इन 16, देन वन पर्सन किल्ड, देन नो रिमेनिंग व्हेन डिवाइड इन 15. जब 15% में डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी नहीं क्लियर. तो हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे बेटा. उसमें मैंने आपको क्या बताया था बेटा, लास्ट वीडियो में आपको मैं बताया ना बेटा, उसमें बेटा फर्स्ट इसको कंपेयर करना है एक्सपोनेंट a1 मोड n. तो a1 की वैल्यू क्या है? 3. n1 कितना है बेटा? 17. a2 की वैल्यू कितनी है? 10. n2 की वैल्यू कितनी है? 16. a3 की वैल्यू क्या है? 0. n3 की वैल्यू क्या है? 15. देन वहां पे मैंने क्या कंसीडर किया था? m क्या है बेटा? सबसे पहले देखो 17, 16, 15 का कॉमन डिवाइजर क्या है? 1. तो इसका एक सोल्यूशन तो आएगी है ना बेटा, वो हमने फाइंड करना है. तो पहले m मैंने क्या लिखा था बेटा? n1 into n2 into n3 multiply this 17 16 15, this one is a 4080. फर्स्ट मैंने क्या लिखा था बेटा? m upon n1 a1 alpha 1 concurrent 1 more n1. ओके, तो m upon n1 कितना हुआ बेटा? m कितना है? 4080. n1 कितना है? 17. तो मेरे पास कितना हुआ? 240 alpha 1 concurrent 1 more 17. Okay, then we select the value of alpha 1. देखो बेटा, ये कर सकते हो बेटा, 240 को 70 पे डिवाइड करो बेटा. 14 पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हुआ? 2 अल्फा 1 कॉन्करेंट 1 मोड 17. अब वैल्यू सेलेक्ट करो बेटा, अल्फा 1 की क्या वैल्यू हो सकती है? देखो अल्फा 1, यदि मैं यहाँ पे 8 पुट कर रहा हूँ, 8 इंटू 2 16 माइनस 1 15, यदि मैं यहाँ पे 9 पुट कर रहा हूँ, 18 माइनस 1 17, 17 पे डिवाइड. आप माइनस 8 भी रख सकते हो बेटा यहाँ पे, नो प्रॉब्लम बेटा. आपकी आप कितनी रख रहे हो? अल्फा 1 कितना हुआ? 9. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, सेकंड, m upon n2
अल्फा टू कॉन्करेंट वन मोर एन टू, तो एम अपॉन एन टू, एम अपॉन एन टू 255, 255 कॉन्करेंट वन मोर 60, ओके, देन डिवाइड 250 कॉन्करेंट 60 से करो बेटा, कितना आ रहा है बेटा, रिमेनिंग कितना आ रहा है 15, तो यहाँ पे कितना हुआ 15 अल्फा टू सॉरी कॉन्करेंट वन मोर 60, ओके, तो अल्फा टू की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन, बिकॉज माइनस 15 माइनस वन माइनस 16 आ गया, अल्फा वन भी आ गया मेरे पास, अल्फा टू की वैल्यू भी आ गई। अब अल्फा थ्री, एम अपॉन एन थ्री, एम अपॉन एन थ्री अल्फा थ्री कॉम्पोनेंट वन मोर 15, तो एम अपॉन एन थ्री कितना होगा बेटा, एम अपॉन एन थ्री 15, मेरे पास 272 अल्फा थ्री कॉम्पोनेंट वन मोर 15, ओके, 272 को 15 पे डिवाइड कीजिए आप, ओके, तो ये 18 पे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग 2 अल्फा 3 कॉम्पोनेंट 1 मोर 15, यदि अल्फा 3 की वैल्यू मैं -7 ले लूं, -14 -1 15, ये तो हो गया ना। अब मैंने क्या लिखना है, टी, याद है आपको एक सॉल्यूशन मैंने थ्योरम में प्रूव किया था, वो क्या था, टी, टी किसके इक्वल था बेटा, T इक्वल टू एम अपॉन एन वन ए वन अल्फा वन, एम अपॉन एन टू ए टू अल्फा टू, एम अपॉन एन थ्री ए थ्री अल्फा थ्री, बेटा एम अपॉन एन वन 240, ए वन कितना था बेटा, यहाँ पे ए वन आया था मेरा 3, अल्फा वन कितना आया बेटा 9, प्लस एम अपॉन एन टू, एम अपॉन एन टू कितना था 255, ओके, ए टू कितना था 10, ए टू अल्फा टू कितना आया था बेटा मेरा -1, प्लस एम अपॉन एन थ्री 272, ए थ्री कितना था बेटा मेरा 0, इंटू अल्फा थ्री कितना है -7, तो मेरे पास बेटा यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3930, ओके, कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 3930, तो उसके पास मिनिमम कितने पॉइंट थे बेटा, यहाँ पे क्या बना टी कॉन्करेंट 3930 मोड 4080, तो उनके पास कितने पॉइंट है लिस्ट 3930, तो ये थी बेटा एंशिएंट चाइनीज प्रॉब्लम। बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रह्मगुप्ता 7th सेंचुरी एडी की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, एक्स प्रॉब्लम, सो थैंक यू वेरी मच।